कॉमिक बुक्स में सुपर हीरो बनने के लिए अनलकी होना भी एक क्राइटेरिया है, जैसा कि सील टीवी सीरीज के अंदर जेनिफर हमें बताती है। पर कुछ सुपर हीरोस ऐसे भी हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के बाद भी सिर्फ एक लकी एक्सीडेंट की वजह से अब वो गॉड के अवतार बन चुके हैं। और आज मैं आपको एमसीयू के कुछ ऐसे ही सुपर हीरोस के बारे में बताने जा रहा हूं। नंबर 1, घोस्ट राइडर। ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस तब बना था जब ये अपनी मौत के कगार पे था और अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था। तब ये मेफिस्टो के साथ डील करता है और अपने सोल को बेच देता है, तब जाकर ये बनता है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। नंबर 2, मून नाइट, जिसका असली नाम है मार्क स्पेक्टर, या फिर कह लो स्टीवन ग्रांट, या फिर कह लो जेक लॉकली, जिसको खोंसु खुद चुनता है और अपनी सारी पावर्स देता है ताकि वो उससे अपने काम निकलवा सके। खोंसु खुद एक इजिप्शियन मून गॉड है, तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये कितनी बड़ी बात है किसी गॉड की पावर्स को पोजेस करना। नंबर 3, नमोर, जो कि एक म्यूटेंट बच्चा है एक इंसान और अटलांटिस क्वीन का, जो कि इसको खुद में ही अलग बनाती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा फेदर सर्पेंट गॉड।